ऊपर खेलब हमें। अखरा में आए गेलक सखी भादो एकादशी करम कराए हमें। जोहार मोय खुशबू राय, आज हमें सब मन अखरा में करब खेलब। भादो महीने में जब वर्षा और शरद ऋतु का मिलन होता है तो पूरा आदिवासी समुदाय झूम उठता है। यहाँ आदिवासी परंपरा का वह मंजर नजर आता है जहाँ गीत और संगीत के साथ साथ अखरा का उल्लास भी दिखता है। खेतों में रुपाई का काम खत्म हो चुका है, सभी अपने घरों में आराम करने के मूड में होते हैं। ऐसे में आता है कर्म पर्व। ये मौका होता है जब सरना आदिवासी प्रकृति की पूजा करने के साथ अच्छे फसलों की कामना करते हैं। जावा के फूलों को अखरा में लाकर इसे सुशोभित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि खेतों में फसलें बर्बाद ना हो इसलिए प्रकृति की पूजा की जाती है। ये वो वक्त होता है जब बहनें भाइयों के लिए लंबी उम्र और सलामती के लिए व्रत रखती है। इस मौके पर भाई अपनी बहनों को ससुराल से लेकर घर आते हैं जहां अखरा में सभी झूमर के साथ नाचते और गाते हैं। कर्म पर्व में यदि देखा जाए तो जो संस्कृति है वो बदलाव तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कुछ इनके जैसे गाने हैं, कर्म गीत हैं, तो उसमें कुछ तो आधुनिकता आई है और आना भी चाहिए। कहे कि देश दुनिया आगे बढ़ रही तो हम क्यों पीछे रहें, लेकिन अपने मूल राग रागनी को पकड़ के चलना होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। भाई बहनों के इस उपवास को आशीर्वाद मानकर कर्म वृक्ष के डाल को लेकर घर के आंगन में या फिर खेतों में गाड़ देते हैं। वैसे प्रकृति के आराध्य देव मानकर पूजा भी करते हैं। यह माहौल काफी मौज मस्ती का होता है। बहनें भाइयों के लिए दिन भर उपवास रखती है और शाम को अखरा में आकर पूजा करती हैं। करम पर्व का एक और दिलचस्प पहलू है, इस पूरे मस्ती के माहौल में देवर और भौजी के बीच खूब हंसी मजाक चलता है, लेकिन जब भौजी नहीं होती है तो अंदाज कुछ यूं होता है। नवा नवा भौजी बिना कैसे नाचब, करम बिना भौजी बिना करम है उदास। कर्म पर्व की शाम को सभी अखरा में कर्म पर्व की कथा सुनते हैं, फिर पारंपरिक रूप से कर्म गीत और नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। जावा एक नए जीवन का प्रतीक है। आदिवासी परंपरा के अनुसार जावा फूल धारण करते हुए आदिवासी समाज प्रकृति के बीच बसने और जीने की प्रेरणा देते हैं। कर्म वृक्ष के माध्यम से ईश्वर को आदर और सम्मान दिया जाता है। कर्म पर्व जीवन का एक संदेश देता है, बिना धर्म के कर्म नहीं और कर्म के बिना धर्म का कोई अस्तित्व नहीं। यह परंपरा सदियों पुरानी है और लोग कहते हैं इसके पीछे एक कथा भी काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक गांव में सात भाई थे जिसमें से कर्मा सबसे बड़ा भाई था। सातों भाइयों की शादी सात बहनों से होती है, ऐसे में सातों भाई और सातों गोतिन एक ही परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। सभी अपने जीवन में खुशहाल रहते हैं। एक दिन अचानक सभी भाई पैसे कमाने के लिए दूसरे देश चले जाते हैं। सभी काफी पैसा कमाते हैं। कर्मा अपने भाइयों को घर वापस भेजता है कि सभी उसका स्वागत करें, लेकिन वे लौटते नहीं हैं। ऐसे में जब कर्मा घर वापस जाकर देखता है तो सभी कर्म के पेड़ के चारों ओर नाच गा रहे होते हैं। गुस्से में आकर वह कर्म की उस डाली को उठाकर सात समंदर पार फेंक देता है। गुजरते वक्त के साथ बाकी भाई उन्नति की राह में चल निकलते हैं, लेकिन कर्मा अपनी बदहाली में जीने लगता है। जब उसे पता चलता है कि उसने कर्म की डाली का अपमान किया है तो वह उसे समंदर पार से लाकर वापस अपने आंगन में स्थापित करता है। ऐसा माना जाता है कि उसी समय से कर्म की पूजा घर आंगन में आयोजित की जाती है। आज कर्म पर्व के दिन प्रकृति के प्रेम को हम सामने लाते हैं, इसे बचाने का संकल्प लेते हैं। कर्म पूजा हमें हमेशा यह एहसास दिलाती है कि कर्म ही हमारा धर्म है और कर्म ही यहाँ की जिंदगी है। जोहार।